60 और 70 के दशक में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्म जगत में एंट्री करने वाले अभिनेता जूनियर महमूद ने हिंदी फिल्म जगत में 60 के बाद 90 तक के दशक तक अपने दमदार अभिनय से अपनी काबिलियत को साबित किया था और इन्होंने अपने दौर के लगभग हर मशहूर बॉलीवुड स्टार के साथ फिल्मों में काम किया था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हिंदी सिनेमा के जाने माने कॉमेडियन एक्टर महमूद जूनियर का निधन हो गया है। 67 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा तो कह दिया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए भरा पूरा परिवार, जिनमें उनकी पत्नी लता, दो बेटे, बहू और पोता पोती हैं। लेकिन अब जूनियर महमूद जिंदा थी तब इन्हें कहीं भी नहीं देखा गया। सिर्फ जूनियर महमूद के साथ उनके सबसे खास दोस्त सलाम काजी को देखा गया। लेकिन आज जब महमूद साहब के जनाजे को कंधा देने की बात आई तो उनके दोनों बेटों को देखा गया। जी हाँ, आज हम आपको जूनियर महमूद साहब के दोनों बेटों से रूबरू करवाएंगे, जो देखने में बिल्कुल ही इनके पिता की तरह ही हैं। और उन्होंने मीडिया के सामने आकर लोगों से बातचीत की और अपने पिता के चले जाने का दुख भी जाहिर किया। और तो और, जॉनी लीवर साहब के कंधे पर सर रखकर रोए भी। जॉनी लीवर साहब भी जूनियर महमूद के दोनों बेटों को हिम्मत देते नजर आए और हमारी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जूनियर महमूद के दोनों ही बेटे कितने सुंदर हैं, बल्कि अपने पिता की तरह ही नजर आते हैं। आपको बता दें कि जूनियर महमूद के ये दोनों बेटे विदेश में रहते हैं और परिवार के साथ वहीं ये लेखक और म्यूजिक मैनेजमेंट का काम करते हैं। लेकिन आज इन दोनों ही भाइयों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि इन्होंने अपने पिता को खो दिया। 15 नवंबर 1956 को मुंबई में जन्मे जूनियर महमूद साहब का असली नाम मोहम्मद नईम सैयद था, जिनके पिता इंडियन रेलवे में लोको पायलट हुआ करते थे। इनके बचपन से कुल 4 भाई और 2 बहनें थी, जिनमें इनका एक भाई फिल्म के सेट पर स्टील फोटोग्राफर के रूप में काम करता था और अपने भाई की कहानियां सुन सुनकर ही इनका आकर्षण भी फिल्मों की तरफ बढ़ने लगा। ऐसे में एक दिन जूनियर महमूद ने अपने भाई के साथ कुछ भी ना बोलने के वादे के साथ शूटिंग के सेट पर पहुँचने का मन बनाया, जहाँ पर कितना नाजुक है दिल फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस फिल्म में फेमस कॉमेडियन जॉनी भी नजर आए थे। लेकिन शूटिंग के दौरान जो बच्चा सेट पर मौजूद था वो बार बार अपना डायलॉग भूल रहा था, जिस वजह से डायरेक्टर ने जूनियर महमूद की तरफ देखते हुए कहा कि इतनी सी लाइन नहीं बोली जा रही है, क्या तुम ये लाइन बोल सकते हो? ऐसे में जूनियर महमूद ने कहा कि ये लाइन तो कुछ नहीं, मैं तो जॉनी वॉकर की लाइन भी बोल सकता हूँ। उन दिनों जूनियर महमूद की उम्र महज 9 साल थी और ऐसे में इतनी कम उम्र में ही इनका एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू हो गया। जूनियर महमूद के नाम के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि इस कहानी का हिस्सा सदी के सबसे दिग्गज कॉमेडियन महमूद साहब है। दरअसल महमूद साहब अपना जन्मदिन मना रहे थे, जहां पर इन्होंने नईम को नहीं बुलाया था और इस पर नईम ने कहा कि वो छोटे आर्टिस्ट हैं, जिस वजह से उन्हें पार्टी में महमूद साहब ने नहीं बुलाया। ऐसे में खुद महमूद साहब ने उन्हें अपनी पार्टी में बुलाया और यहां पर महमूद साहब के गाने हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं पर इन्होंने जबरदस्त डांस किया, जिससे महमूद साहब बेहद आकर्षित हो गए और उन्होंने नईम को अपना चेला बना लिया और उसी वक्त उन्हें जूनियर महमूद का नाम दे दिया। वर्क फ्रंट की बात करें तो जूनियर महमूद ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक शानदार फिल्मों में काम किया। फिल्म इंडस्ट्री के बाद इन्होंने ही फेमस सीरियल में भी अहम किरदारों में काम किया। तो दोस्तों, आप जूनियर महमूद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हमें ये भी कमेंट करके बताएं कि आपको उनके बेटों के बारे में जानकर कैसा लगा।